दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। होप सो भाई सभी दोस्त जो है उड़ाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, और भाई कुछ दोस्तों में भाई बच्चे वगैरह भी कटवाने लग रहे हैं, क्योंकि अभी निकलवाते हैं भाई बच्चे गर्मी में, कुछ भाई सर्दी में निकलवाते हैं, लेकिन भाई हम भी गर्मी में निकलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई कोई भाई पूछ रहे हैं भाई कि जो जोड़े वाले कबूतर है उनको क्या दाना खिलाना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चे भाई जल्दी ग्रोथ करें। तो भाई दोस्तों, मैं जो दाना खिलाता हूँ भाई सभी दोस्तों को बता देता हूँ, भाई काफ़ी अच्छा दाना रहता है कबूतरों को, और भाई ऐसा दाना है दोस्तों जैसे कबूतर है ना हमारे बीमारी वगैरह में भी नहीं आते भाई, ठीक है, बीमारी वगैरह से भी दूर ही रहते हैं। तो उसके लिए हमने ना भाई कबूतरों को दाना जो है ना एक लगातार एक ही दाना तो कबूतरों को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, हमने ना कबूतरों को दाना चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो भाई जोड़े वाले कबूतर हैं, जो बच्चों वाले हैं, जोड़े वाले हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ आपने कौन सा दाना ठीक रहेगा भाई, ठीक है। पहली तो बात भाई ये रखो आप दोस्तों, कोई सा भी दाना डालो कबूतरों का, उसे अभी भिगो कर डालो, गेहूं तो बिल्कुल ही भिगो कर डालो भाई, क्योंकि भाई अगर आप गेहूं को भिगो कर नहीं डालोगे ना भाई तो कबूतर बीमार हो जाएंगे, छोके में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वो उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि गेहूं है ना अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, और वो कट कैसे दे आएंगे, और हम कबूतरों को डालेंगे, कबूतरों का मुँह पाक जाएगा भाई अंदर से। बहुत भाइयों की कंप्लेंट मैं सुन रहा हूँ भाई, जैसे ग्रुप वगैरह ना कबूतर के, मैं उनमें देखने लग रहा हूँ भाई, बहुत सारे भाई जो है कह रहे हैं कि भाई मुंह पाक गया इसका दवाई, सूखा गया भाई इसका दवाई, भाई नए गेहूँ हैं वे, उनके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर आप कबूतरों को ऐसे कैसे डालोगे तो भाई नॉर्मल आपके कबूतर दोस्तों बीमार हो ही जाते हैं, ठीक है। फिर भाई होता ही है कुछ भाइयों को बीमारियों का इलाज नहीं करना था तो कबूतर मर जाते हैं। तो पहली तो बात दोस्तों, आप जो भी गेहूँ कोई सा भी गेहूँ हो उसको कम से कम 12 घंटे भिगोगे तब अपने कबूतरों को डालना भाई गेहूँ को, ठीक है। गेहूँ को तो आपने कम से कम 12 घंटे भिगोगे तब कबूतरों को डालना भाई, ठीक है। अब बच्चे वालों को भी डालो ना तो भी गेहूँ भिगो कर डालने भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई दूसरा दाना बता देता हूँ मैं अपने, दूसरा भाई चने, चने भी सूखे नहीं डालने दोस्तों, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे भाइयों की कंप्लेंट सुनी है भाई, पहला मेरे को भी नहीं पता था तो मैं भाई कबूतरों को ऐसे सूखे चने डाल देता था बच्चे वालों को कई बार, तो भाई वो चने है ना खा कर बच्चों को दे देते थे, और भाई सूखा चना तो आपको पता ही वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है, और कबूतर इतनी बार पानी दे नहीं पाता बच्चे को, क्योंकि हम अपने कबूतरों को ना दो बार खोलते हैं, और बच्चे को अगर चने ले लिए उसने, अगर 20-30 चने उसके अंदर चले गए तो उसको भाई कम से कम है ना 5 या 7 बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और कबूतर तो इतनी बार देगा नहीं, क्योंकि वो तो कबूतर जानवर है, और हम इतनी बार खोलते भी नहीं हैं, पानी भी नहीं रख के रखते हैं। तो दोस्तों चने है ना अपने भिगो का 12 घंटे तब भी चने रखने आप। दूसरी बात भाई, चने डालने जरूर है भाई, जान का सिस्टम होता चने, ठीक है। दूसरा भाई तीसरा दाना बता देता हूँ दोस्तों, आपने लेनी है भाई दाल, ठीक है, उड़द वाली दाल होती है ना जो पूरी साबुत, वो लेनी है, ये डालना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई इसमें ना प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन विटामिन होते हैं इनके अंदर, अगर आप लगातार अपने कबूतरों को भाई दाल डालते हो ना तो कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि भाई कबूतरों में बीमारी पता कब आती है भाई, जब उनके अंदर इम्यूनिटी की पावर कमज़ोर हो जाती है, जब कोई और चीज़ ज़्यादा हैवी होने लग जाती है ना तो उसके बाद बीमारी आती है, तो प्रोटीन कबूतर के अंदर विटामिन कम होने लग जाते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। अगर आप भाई कबूतरों को लगातार दाल वगैरह डालते हो ना महीने में 4-5 बार तो कबूतर भाई बीमार नहीं हो जाता कभी भी, ठीक है। तो भाई दाल भी आपने ऐसी डालनी है। एक आती है भाई जो यार वो चने वाली दाल नहीं बोलते है, चने वाली दाल होती है एक जो 2 पीस में होती है उसको कहते हैं, हाँ चने वाली दाल ही बोल देना आप, ठीक है, वो लेके आओ तो भाई बच्चे वाले कबूतरों के लिए भिगो के आप वो भी डाल सकते हो कबूतरों को, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहेगा दोस्तों, बच्चे भाई ग्रोथ करते नजर आएंगे आपने, न बीमार होंगे कबूतर, ठीक है। और भाई ये जोड़े वाले कबूतरों के लिए दोस्तों, और जो उड़ा रहे हैं भाई कबूतरों को उड़ार पर लगा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं आपने, आपने भाई साहब जैसे उड़ाने वाले कबूतर हैं आप उनको बादाम डाल दो, बादाम भाई भिगो कर डालो, ठीक है दोस्तों। एक बात और भाई, अगर भाई आप सभी टाइम उड़ाने वाले कबूतरों को बादाम नहीं डाल सकते तो आप भाई चने वाली दाल ले गए छिलके वाली, ठीक है, उसको छील उसको भेगा कबूतरों को, यानी 5-10 बादाम और वो दाल भिगोगा वो भी डाल सकते हो भाई, दाल के अंदर भाई बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, उससे कबूतर में जान बनी रहती है भाई। एक भाई मैंने पहले वीडियो डाल लिया है
जो भाई कबूतरों को लगातार बादाम नहीं डाल, बादाम से रिलेटेड भी डालने के लिए, ठीक है दोस्तों, आप वो वीडियो देख लेना कैसे आपने पूरा दाने का सेटअप बता रखा है मैंने उसको, बादाम देने का तरीका कबूतरों को कैसे क्या कुछ होता है, ठीक है भाई। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहती है भाई सभी दोस्तों से, जो भाई वीडियो पर पहली बार आते हैं ना भाई, वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो भाई, और आसपास अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर भी किया करो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।